नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेफेक्सिम 200 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट के फायदे, नुकसान और इसे कैसे लेना चाहिए, कितने दिन तक लेना चाहिए, इन सभी बातों को भी इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखेगा। लेकिन उससे पहले दवाइयों की जानकारी पाने के लिए अपना डॉक्टर राज को कीजिए सब्सक्राइब, साथ में घंटी वाले निशान को दबाना ना भूलेगा। दोस्तों, सेफेक्सिम 200 mg टैबलेट आती है एबट कंपनी की और इसका MRP है 105 रुपये 17 पैसे 10 गोलियों का। इसमें जो सॉल्ट होता है वो है सेफेक्सिम डिस्पर्सिबल टैबलेट 200 mg। और दोस्तों, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो हो सकता है आपको थोड़ा कम रेट में भी मिल जाए। तो दोस्तों, चलिए अब बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, सेफेक्सिम एक एंटीबायोटिक है और इसके बहुत सारे काम होते हैं। इसका मेन काम है बैक्टीरिया के संक्रमण को मार के इन्फेक्शन को ठीक करना। तो इस चलिए अब बात करते हैं इसके यूजेस की, किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग सर्दी, खांसी, टाइफाइड का बुखार और ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, निमोनिया, साइनस, अंदरूनी बुखार, यूरिन इन्फेक्शन, गोनोरिया, यौन रोग और आँख, नाक, कान, गले में किसी भी प्रकार का ENT इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। गुप्त अंगों में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, स्किन का इन्फेक्शन, चर्म रोग हो किसी प्रकार को, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग फोड़ा, फुंसी, घाव को सुखाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं इसके सभी फायदे तो सभी इस्तेमाल तो नहीं बता पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि एक एंटीबायोटिक है तो इसे बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। फिर भी मैंने कुछ कुछ बता दिए हैं आपको, तो आप उसमें से देख लीजिएगा। और इसका उपयोग फेफड़ों में इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि छाती में रेशा वगैरह जम जाना और सांस लेने में दिक्कत होना, तो में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो दोस्तों, इसे एक एक गोली सुबह शाम दी जाती है और 3 दिन तक या फिर 7 दिन तक इसका इस्तेमाल किया जाता है। खाना खाने के बाद इस टैबलेट को लिया जाता है। और अगर ये एडल्ट के लिए है, बड़ों के लिए डोज मैंने बताई है। अगर बच्चों को देना है 8-10 साल के, उनको हाफ टैबलेट 100 mg में देना चाहिए। और अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए सीरप आता है। तो दोस्तों, इसका इस्तेमाल आप लोगों ने अपनी मर्जी से तो कभी नहीं करना हो करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मेडिसिन का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हो सकता है। जब भी इस्तेमाल करें, डॉक्टर से लिखवा कर या फार्मासिस्ट से सलाह करके ही इस्तेमाल करें। इसको लेने से साइड इफेक्ट की बात कर लेते हैं, तो इसको लेने से दोस्तों पेट में दर्द हो सकता है, चक्कर आना, गैस बनना, पीलिया, सिर दर्द, घबराहट, उल्टी, मतली, ये सब इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसे आप अपनी मर्जी से इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और घंटे वाले निशान को तो बिल्कुल दबा ही दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं रोज़ अपलोड करता रहता हूँ दवाइयों की जानकारी आपको देने के लिए। तो धन्यवाद।